टॉप 10 चाइनीज़ ऐप जो हम इंडिया में हैं, जो हम इंडिया में यूज़ करते हैं लेकिन हमें पता नहीं रहते हैंगे। टिकटॉक जैसे और भी ऐप हैं चाइनीज़ के जो हमें नहीं पता है, जो कितने हार्मफुल रहते हैंगे। अब वो क्यों हार्मफुल मैं वीडियो को वो लास्ट में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जो मैं आपको टॉप 10 चाइनीज़ ऐप के बताने जा रहा हूँ वो आप देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैंगे। तो 10वें नंबर में आता हैगा, वो हैगा कट कट। जी हाँ, कट कट भी एक चाइनीज़ ऐप है। कट कट भी ये होता है कि जो भी आपकी वीडियो रहती है, जो भी आपका सॉन्ग रहता है, उससे हम बीच से कट कर सकते हैं, वो है कट कट। और हमारा 9वां नंबर पर आता है जेंडर। जी हाँ, जेंडर। जेंडर एक ऐसा ऐप हैगा जिससे आप अपनी कोई भी फाइल मूवीज़ सब ट्रांसफ़र कर देते हैंगे। वो तो वो मेरे खुद ही फ़ोन में ही मैं यूज़ करता हूँ, लेकिन मैंने उसे अनइंस्टॉल कर दिया हैगा, तो आप इसे अनइंस्टॉल कर दें। और आता है हमारा 8वां नंबर पे टिकटॉक लाइट। जी हाँ, ये टिकटॉक का छोटा भाई जैसी है टिकटॉक लाइट। ये भी एक 15 सेकेंड की 30 सेकेंड की शॉर्ट वीडियो इसमें अपने अपलोड कर सकते हैं। ये भी एक चाइनीज़ ऐप है। और हमारा 7वें नंबर पे आता हैगा हेलो। जी हाँ, हेलो भी चाइनीज़ ऐप है। ये ऐप भी चाइनीज़ ऐप है, ये बहुत कम लोगों को बताएगा, तो इसलिए ये भी चाइनीज़ ऐप है। और हमारा 6वें नंबर पे आता हैगा लाइकी। जी हाँ, इसका लाइक भी नाम है, लेकिन अब इसका नाम लाइकी हो गया है। लाइकी भी सेम टिकटॉक जैसे ही एक ऐप हैगा, इसमें भी आप शॉर्ट वीडियो अपनी अपलोड कर सकते हैंगे। ये भी एक चाइनीज़ ऐप है और ये भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल रहता है। तो जो हमारा 5th नंबर में आता है वो है वीमिट। जी हाँ, वीमिट। वीमिट में क्या काम होता है, जो अपन टिकटॉक ही जैसा काम है, इसमें अपन अपनी शॉर्ट वीडियो अपलोड कर सकते हैं। और जो हमारा 4th नंबर का आता हैगा वो है यूसी ब्राउज़र। जी हाँ, यूसी ब्राउज़र। यूसी ब्राउज़र में अपन बहुत से लोग मूवी डाउनलोड करते हैं, ये बहुत जल्दी डाउनलोड भी करते हैं, लेकिन इसका भी हमें बहिष्कार करना है। और जो हमारा 3rd नंबर में आता है वो है शेयर इट। जी हाँ, शेयर इट। शेयर इट का ये काम रहता है कि एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में फाइल ट्रांसफ़र करने का काम रहता है। ये भी जेंडर जैसा काम करता है, लेकिन इसका भी हमें बहिष्कार करना है। और जो हमारा 2nd नंबर में आता हैगा, ये एक गेम हैगा, उसका नाम है पबजी। जी हाँ, आजकल बच्चा बच्चा पबजी खेलता है, लेकिन ये भी एक चाइनीज़ ऐप है। और आप बोलेंगे कि ये कैसे चाइनीज़ ऐप है, तो जो आपका लैपटॉप वाला वर्जन है पबजी का, जी हाँ, लैपटॉप वाला वर्जन, वो लैपटॉप वाला वर्जन चाइना का नहीं है, लेकिन जो पबजी मोबाइल है वो चाइना का है। जी हाँ। और जो हमारा 1st नंबर में आता है वो है टिकटॉक। जी हाँ, टिकटॉक। आजकल तो टिकटॉक इतना फेमस हो गया है कि हर कोई इसका इस्तेमाल करता है, लेकिन हमें इसका भी बहिष्कार करना है। और ये सारे ऐप क्यों इतने हार्मफुल है, क्योंकि जो अपना जो इसमें डाटा है जो अपना चाइना तक जाता है सर्वर, चाइना के सर्वर में जाता है, तो वो बीच में लीक हो जाता है। जी हाँ, लीक हो जाता है। तो अब इससे आपका अपना डाटा अपना सेफ रखिए, इसको अनइंस्टॉल कर दीजिए सारे ऐप को। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी, तो उसमें लाइक करना, कमेंट करना।